डॉक्टर बता दिया कि पानी में अथी करके बताया है। कितना देर तक बताया था साहब? थोड़ा देर तक बताया जाता है। अब उसको ले लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किन किन पेशेंट आया, किस तरीके का पेशेंट आया आज सिलसिला इलाज? मेरा नाम रजनीकांत सिंह है, मेरे साथ टीम है जो इफेक्ट हो की सीईओ है, मेरे साथ डायमंड रॉकवर्ड है जो लंदन स्कूल ऑफ प्रॉपर मेडिसिन हाइजीन की प्रोफेशन है, मैं लेप्रा सोसाइटी की तरफ से हूँ। आज हम लोग झाझा में जो देख रहे हैं वो एक ही बोला जाता है निग्लेक्टेड प्रॉपर डिजीज, इसमें जिस डिजीज है लेकिन हम लोग पांच लोग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेप्रोसी है, एलएफ है, कुछ भी है जिसको स्क्रैबिस बोलते हैं, फंगल है और पीकेडियल पुष्ट कलाजर डर्मोलेशन। आज हमको जो देखने में आया है पीकेडियल को छोड़ के बाकी सब तरह के केसेस देखने को मिला है। जो सबसे बड़ी पार्ट है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से नीचे है वो भी इस रोग को लेके आए हैं। इसका ये मतलब है कि कम्युनिटी में इन्फेक्शन हाई है और सर्च की जरूरत है। इतना ही सर्च करेंगे, केसेस को निकाल के ट्रीट करेंगे तभी इसका जो चेन है, जो इन्फेक्शन का चेन है तो ब्रेक होगा और हम इस जम्मू जिला को पुष्ट मुक्त, फलेरिया मुक्त और स्कैबीज और फलर मुक्त बना सकते। कितने दिनों तक रोकथाम हो सकती है? ये तो देखिए क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका कीटाणु जो है अगर मेरे शरीर में जाता है लेप्रोसी का तो ये जो एग्रेस टाइम है वो 5 साल तक रहता है। तो मेरे को आज चला भी गया, हो सकता है 3 साल के बाद अपीयर होगा। तो कम से कम इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है एस्पायर ये 5 साल का है। हम 5 साल तक इस जमुई की पूरी जनता को सर्वे करेंगे, पूरी जनता में से हर बार केस खोज के लाएंगे, सारे हमारे प्रमोद भाई हैं जितने गवर्नमेंट के लोग हैं सब लोग उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और इसलिए ये प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ लाए, जमुई इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जमुई पहला जिला है जहाँ पे ये पहला एनटीडी स्कीम प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया में इस तरह का कहीं भी कोई प्रोजेक्ट नहीं क्योंकि सिर्फ जमुई में हम लोग लाए। आप लोग का सहयोग, आप लोग का योगदान और मीडिया पिलर जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है, अगर आप लोग का साथ रहेगा जरूर हम लोग इसको। सर अभी तक कितने पेशेंट पाए गए जम्मू जिला में? जम्मू जिला में तो हर महीने जो है वो तो आते ही है, लेकिन इस सर्च के दौरान जो हमने देखा छोटे से दौरान करीब करीब 150 लेप्रोसी के, 600 से 700 फाइलेरियासिस के, स्कैबिज के भी करीब 300 से 400 स्कैबिज और फंगल मिला के पाए। अभी तक पीकेडियल के कोई केस नहीं। सर आपने फलेरिया के बारे में बोले, रोकथाम कैसे किया जाए? फलेरिया के रोकथाम में सबसे बेस्ट उपाय जो है कि मच्छर से बचाओ। मच्छर से बचाओ हर आदमी जानता है, घर में मच्छरदानी लगा दो, नीम की पत्ती जलाता है लोकल, नाली को साफ रखे, कहीं पानी जमने न दे, है कि नहीं है? ये जब सारी चीजें रहेंगी तो एक तो वो रोकथाम होगी और इसका दूसरा रोकथाम जो गवर्नमेंट के तरफ से होता है वो है कि हर समय 1 साल में एक बार दवा खिलाई जाती है, इसको एमडीए बोला जाता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 2 दवाइयों का मिश्रण है, उसको हर आदमी को खाना चाहिए। हर आदमी अगर उसको खा ले, मतलब अगर 100 में 70 लोग खा ले तो 5 साल में ऑटोमेटिकली इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो कम्युनिटी साइड से बेहतर कंट्रोल है और मेडिकल साइड से तो प्रैक्सिस ट्रीटमेंट है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे इस रोज का हम क्या करते हैं इस प्रोजेक्ट में, लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप खाइए, लेकिन जो विकलांग हो चुके हैं उसको वो फायदा नहीं करेगा। मच्छर से बचेंगे तो सर एक क्वेश्चन, करेंटली विकलांग के बारे में सर, जिसने लकवा मार दिया था करेंटली 1 या 2 दिन के बाद, तो उसे रोकथाम उसे सही ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए अगर 1-2 दिन का लकवा मारा है तो इसको भी स्ट्रोक बोलते हैं जनरली, उसके लिए तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल क्योंकि वहाँ पे सर्जन है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है और वो जल्द ही ठीक हो जाता है अगर आप डिले न करें तो। लेकिन हमारे जो हमारे यहाँ जो The first thing is that I'm pleased to see the patients, and it's very important to touch the patients and to make them feel that they're not infectious, and you can give a very encouraging message to the patients because the leprosy medicines will cure their infection, and it is not a curse from God. And so it's an infection, a treatable infection. So we can give a very positive message to the patient.